हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी एसटी। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सोशल साइंस, क्लास टेंथ का जो सोशल साइंस है उसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप VVI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर हिस्ट्री का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए, जो 2024 में टेंथ की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, खासकर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन सब परीक्षार्थियों के लिए। तो पहला प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन से ए कवि था, ऑप्शन बी नाटककार था, ऑप्शन सी संगीतज्ञ था और ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ था। तो प्रश्न संख्या एक, बिस्मार्क क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ था। प्रश्न संख्या दो है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन से ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन बी यूनान में, ऑप्शन सी तुर्की में और ऑप्शन डी इंग्लैंड में। तो प्रश्न संख्या दो, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी आप कमेंट में बताइए कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है। प्रश्न संख्या तीन है, प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन से ए सेडोन में, ऑप्शन बी सेडोवा में, ऑप्शन सी साइराइन में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या तीन, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेडोन में। प्रश्न संख्या चार है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन से ए पुनर्जागरण से, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन से, ऑप्शन सी गौरवपूर्ण क्रांति से और ऑप्शन डी फ्रांस की क्रांति से। तो प्रश्न संख्या जो चार है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्जागरण से। प्रश्न संख्या पाँच है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन से 1810 में, ऑप्शन बी 1815 में, ऑप्शन सी 1830 में और ऑप्शन डी 1848 में। तो प्रश्न संख्या जो पाँच है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1810 में। प्रश्न संख्या छ है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन से ए डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी गैस्टीन की संधि, ऑप्शन सी प्राग की संधि और ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि। प्रश्न संख्या छः, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न संख्या सात है, सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ऑप्शन से इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी यूनान के एकीकरण से और ऑप्शन डी अमेरिका के एकीकरण से। तो प्रश्न संख्या सात का जो सही जवाब हो जाएगा, सेल्सबिग और होल्स्टीन का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। प्रश्न संख्या आठ, 1929 ईस्वी की एडियानोल पुल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन से ए रूस के साथ, ऑप्शन बी यूनान के साथ, ऑप्शन सी ब्रिटेन के साथ और ऑप्शन डी पोलैंड के साथ। तो प्रश्न संख्या जो आठ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 ईस्वी की जो एडियानोपुल की संधि हुई वो रूस के साथ हुई थी। प्रश्न संख्या नौ है, जर्मन राज का निर्माण किसने करवाया था? जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन से ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी बिस्मार्क ने। तो
प्रश्न संख्या 9, जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी नाविक। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका सही जवाब हो जाएगा गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। प्रश्न संख्या 11 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1818 और ऑप्शन डी 1819। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका सही जवाब हो जाएगा वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय की, ऑप्शन सी लेनिन की और ऑप्शन डी एंजल्स की। तो प्रश्न संख्या जो 12 है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय की। प्रश्न संख्या 13 है, खूनी रविवार किसको कहा जाता है? ऑप्शन से ए 1808 के रविवार को, ऑप्शन बी 1805 के रविवार को, ऑप्शन सी 1905 के रविवार को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13, खूनी रविवार किसको कहा जाता है? तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 के रविवार को। प्रश्न संख्या 14 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन से ए 1921 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1923 में और ऑप्शन डी 1924 में। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1921 में। प्रश्न संख्या 15 है कि रास्पुटीन कौन था? ऑप्शन से ए वैज्ञानिक था, ऑप्शन बी दार्शनिक था, ऑप्शन सी समाज सुधारक था और ऑप्शन डी भ्रष्ट पादरी था। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रपुतिन कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भ्रष्ट पादरी था। प्रश्न संख्या 16 है, समाजवादियों की बाइबिल किस किताब को कहा जाता है? ऑप्शन से ए गीता को, ऑप्शन बी वार एंड पीस को, ऑप्शन सी दास कैपिटल को और ऑप्शन डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, समाजवादियों की बाइबिल किस किताब को कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दास कैपिटल को। प्रश्न संख्या 17 है, किसने दास कैपिटल की रचना की है? ऑप्शन से ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी जार निकोलस ने, ऑप्शन सी एजल्स ने और ऑप्शन डी दोस्तोवस्की ने। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, किसने दास कैपिटल की रचना की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने। प्रश्न संख्या 18 है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन से ए 1846 में, ऑप्शन बी 1848 में, ऑप्शन सी 1849 में और ऑप्शन डी 1867 में। तो प्रश्न संख्या जो 18 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1867 में।
प्रश्न संख्या 19 है, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन से ए लेनिन के द्वारा, ऑप्शन बी जेडोंग के द्वारा, ऑप्शन सी स्टालिन के द्वारा और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 19, रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 20 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से ए 18 मार्च को, ऑप्शन बी 12 मार्च को, ऑप्शन सी 5 मार्च को और ऑप्शन डी 22 मार्च को। तो प्रश्न संख्या 20, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, नई आर्थिक नीति NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्मदाता था, ऑप्शन से ए लेनिन, ऑप्शन बी जेडोंग, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 21, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन था। नई आर्थिक नीति की जो स्थापना हुआ या लागू हुआ ये 1921 में लागू हुआ। प्रश्न संख्या 22 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन से तुर्की को, ऑप्शन बी इटली को, ऑप्शन सी इंग्लैंड को और ऑप्शन डी फ्रांस को। तो प्रश्न संख्या जो 22 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की को। प्रश्न संख्या 23 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन से ए मेजनी, ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुअल और ऑप्शन डी है मुसोलिनी। प्रश्न संख्या 23, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेजनी था। प्रश्न संख्या 24 है, इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन से प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन से ए इटली को, ऑप्शन बी रोम को, ऑप्शन सी स्पेन को और ऑप्शन डी यूनान को। तो जो प्रश्न संख्या 24 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूनान को। प्रश्न संख्या 25 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन से ए इतावली, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी पोलिश और ऑप्शन डी फ्रेंच। तो प्रश्न संख्या जो 25 है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्यार, हंगरी की भाषा थी। हंगरी की जो राजधानी थी वो बुडापेस्ट थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 25 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी जो बोर्ड परीक्षा 2024 में आयोजित होने वाली है उसके लिए। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।